इंटरमीडिएट इंग्लिश चैनल पर खुश आमदेद। ये एक एजुकेशनल चैनल है। इस चैनल पर इंटरमीडिएट के इंग्लिश पेपर की मुकम्मल रहनुमाई और हेल्प वीडियोस की शक्ल में दस्तियाब हैं। हलशुदा 5 साल मारूजी पेपर्स की वीडियोस भी मौजूद हैं। इन वीडियोस को देखकर 90+ मार्क्स ले सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। These camels are of prodigious size and strength. Prodigious का मतलब है बहुत बड़ा, enormous का मतलब भी बहुत बड़ा, unusual गैर मामूली, heavy भारी, high बड़ा। तो इसकी दूसरी ऑप्शन दुरुस्त है। Was I bothering you? क्या मैं तुम्हें परेशान कर रही थी? थैंक यू मॉम वाले सबक में से है डिस्टर्बिंग, इसका मतलब है परेशान करना, ड्रैगिंग इसका मतलब है घसीटना, पुशिंग धकेलना, बीटिंग मारना। तो बॉदरिंग की दुरुस्त ऑप्शन आ गया है कि डिस्टर्बिंग। शी हैड फॉट वैलियंटली, वैलियंटली का मतलब है बहादुरी से, हिम्मत हौसले के साथ। साइलेंटली प्रोटेस्टिंगली एहतजाज करते हुए, क्रेजसली यही ऑप्शन इसकी दुरुस्त है, हौसला मंदी के साथ, बहादुरी के साथ। द राइटर फादर ब्रैगड, ब्रैगड का मतलब होता है शेखी बिगाड़ना, अपनी तारीफ आप करना। वंडर्ड हैरान होना, बोस्टेड का मतलब है तारीफ करना, अपनी तारीफ आप करना। एक्सप्लेन्ड ऑल्डर्ड। नेक्स्ट सेंटेंस है द ग्लोरी ऑफ लॉर्ड शैल बी रिवील्ड, रिवील्ड का मतलब ज़ाहिर होना, एक्सपोज का मतलब भी ज़ाहिर होना, क्रिएटेड पैदा होना, तख्लीक दिया जाना, डिफॉर्म शक्ल ख़राब हो जाना, डी शेप्ड इसका मतलब भी शक्ल ख़राब हो जाना। एक्सपोज वाली ऑप्शन दुरुस्त है। नेक्स्ट सेंटेंस है दे आर इन द इनिशियल स्टेजेस, इनिशियल का मतलब है इब्तदाई, शुरू वाली, अर्ली। यही ऑप्शन इसकी दुरुस्त है, बाकी ऑप्शन आसान है, मानी बताने की ज़रूरत नहीं। नेक्स्ट सेंटेंस है ही पेक्ड अप अ डिस्कार्डेड न्यूज़पेपर, डिस्कार्डेड का मतलब होता है पुराना, मतरूक शुदा। तो यूज़लेस पुरानी चीज़ जो होती है वो बेफायदा हो जाती है, बिलखसूस अखबार एक दिन पुराना हो तो वो यूज़लेस हो जाता है। तो यही ऑप्शन इसकी दुरुस्त है। अब ये पोएम से सेंटेंस है हमारे पास, दी फीड वाली पोएम से, कंजॉइनिंग बीक विद बीक, कंजॉइनिंग का मतलब है मिली हुई, जुड़ी हुई, क्राइंग टचिंग कंबाइनिंग, यही ऑप्शन इसकी दुरुस्त है, जुड़ी हुई। नेक्स्ट सेंटेंस है ऑन विच नेशंस हारमोनी डिपेंड, हारमोनी का मतलब है इत्तहाद, पहली ऑप्शन दुरुस्त है, यूनिटी स्टेटस डिस्कार्ड स्ट्रेंथ, आम से अल्फाज हैं, कोई मुश्किल अल्फाज नहीं है। इट्स इमिटेशन स्टफ मेनली, इमिटेशन का मतलब है नकली, और कॉपी जो होती है वो नकल होती है, तो इसलिए ये ऑप्शन इसकी दुरुस्त है, नकली। अब आते हैं जी MCQs की तरफ। गैजेट इज लाइक आ नाइफ ब्लेड सेफ्टी रेजर कॉम, तो सेफ्टी रेजर यही ऑप्शन दुरुस्त है, ये प्ले में से है, आखिरी प्ले में से सेंटेंस है। व्हाट विल बी एग्जॉल्टेड माउंटेन रिवर हिल वैली, तो ये ऑप्शन दुरुस्त है इसकी, वैली टेक्स्ट के मुताबिक वैली का लफ्ज आएगा यहाँ। द किंग वाज फेमस फॉर हिज जस्टिस, टेक्स्ट के मुताबिक जस्टिस है, वो अपने इंसाफ की वजह से मशहूर था। नेक्स्ट सेंटेंस है व्हाई डिड द गर्ल सर्कल राउंड एंड राउंड इनटू द वुड, तो टेक्स्ट के मुताबिक टू एस्केप फ्रॉम द किलर है, वैसे बाकी मानी आसान है, इनको बताने की ज़रूरत नहीं है। टेक्स्ट के मुताबिक टू एस्केप फ्रॉम द किलर। अब नेक्स्ट सेंटेंस है व्हिच सिटी वाज अटैक्ड, तो पोएम में से है, न्यूयॉर्क था सिटी जिस पर हमला किया गया था, टेल ऑफ टू सिटीज़ वाली पोएम में से है ये, तो वर्जीना टेक्सास न्यू जर्सी।
یہ مختلف ریاستوں کے نام لکھے ہیں، تو اصل ملک جو ہے یہ نیو یارک ہے، یہ غلط نام لکھے ہوئے ہیں، تو ٹیکسٹ کے مطابق نیو یارک صحیح ہے۔ اب چلتے ہیں کریکٹ فارم آف دی وربز کی طرف۔ اٹ سیلڈم ہیئر ان ونٹر، سیلڈم جب آتا ہے تو یہ پریزنٹ انڈیفینیٹ میں فقرہ بنتا ہے۔ اٹ سیلڈم رینز ہیئر ان ونٹر، تو رینز اٹ کے ساتھ ایسی ہے، اس کے اضافے والی فارم لگتی ہے، اس لیے یہاں پریزنٹ انڈیفینیٹ کی یہی فارم صحیح ہے۔ دی فائر ورکس ایٹ مڈ نائٹ، فائر ورکس جو ہیں یہ عمومی طور پر رات کے وقت ہوتے ہیں، اس لیے یہاں پریزنٹ انڈیفینیٹ ہوگا۔ دی فائر ورکس سٹارٹ ایٹ مڈ نائٹ، یہ فائر ورکس جمع ہے سبجیکٹ، اس کے ساتھ پہلی فارم آئے گی۔ نیکسٹ سینٹینس ہے آئی اے لیٹر یسٹرڈے، یسٹرڈے جس فکر میں آ جائے وہ پاسٹ انڈیفینیٹ میں ہوا کرتا ہے، ریسیوڈ یہ پاسٹ انڈیفینیٹ ہے، باقی پاسٹ انڈیفینیٹ والی شکلیں نہیں ہیں اس میں۔ نیکسٹ سینٹینس ہے ایف ہی ہیڈ ہیلپڈ می آئی دی ایگزامینیشن، ایف کے ساتھ دو فکریں ملائے جائیں، ایک پاسٹ پرفیکٹ ٹینس میں ہو تو دوسرا وڈ ہیو کے ساتھ آیا کرتا ہے، وڈ ہیو پاس، اگر وہ میری مدد کرتا تو میں پاس ہو جاتا امتحان میں، تو یہ تیسری آپشن اس کی درست ہے۔ دی کلرکس آن سٹرائک سنس منڈے، سنس فار آ جائے تو وہ پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس میں ہوتا ہے فکرا، یا پاس پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس میں، یہاں چونکہ اس میں پاس والا کوئی لفظ نہیں دیا ہوا، پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس دیا ہوا ہے۔ دی کلرکس ہیو بین آن سٹرائک سنس منڈے۔